वेलकम टू एडियम स्किल्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम चेक करेंगे कि हम अपनी वेबसाइट या किसी भी वेबसाइट या किसी क्लाइंट की वेबसाइट की स्पीड किस तरीके से चेक कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमें पता चले कि उसकी वेबसाइट की स्पीड कितनी है, वो कितनी देर में लोड हो जाती है, वो उसकी SEO कितना है, उस पर इमेजेस के लोडिंग टाइम और जो भी हमारी कमी पेशी होगी वो सब हम चेक कर सकेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं, एक वेबसाइट है जिसे डोमेन नेम है speedcheck.org। आप यहाँ से भी अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक कर सकते हैं। एक हमारे पास वेबसाइट है web.dev। इस पे आप अपना URL जब आप डालेंगे, ये आपसे URL पूछ रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे हम अपने पेज को रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ से हम लिख देते हैं www.admskills.com। तो जब हम इंटर करेंगे, ये हमें हमारी वेबसाइट की सारी इंफॉर्मेशन दे देगा कि इसका लोडिंग टाइम कितना है, इसकी परफॉर्मेंस कितनी है। परफॉर्मेंस इन सेंस आता है कि गूगल के सर्च इंजन में हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस क्या है, सर्च किया, ये इसने हमें हमारी वेबसाइट की डिटेल दे दी कि 30% परफॉर्मेंस है हमारी वेबसाइट की। एक्सेसिबिलिटी जो है वो 69 है, बेस्ट प्रैक्टिस 77 है, और SEO जो हमने अप्लाई किया वो 71% है। अच्छी वेबसाइट जो भी होती है उसका 80+ SEO होना चाहिए, तो उसकी रैंकिंग अच्छी होती है, उसके यूज़र उस पर ट्रैफिक ज़्यादा आती है। अगर 80 से कम है तो आपको अपनी वेबसाइट पे अपना SEO अच्छी तरीके से अप्लाई करना होगा। इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो ये हमें नीचे सारी हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस देख रहा है, दिखा रहा है। ये देखें, ये हमारी वेबसाइट का उसने हमें मेन थीम मेन पेज भी दिखा दिया। अगर हम अपनी वेबसाइट पे चलें तो सेम एज इट इज़, ये देखें, ये हमारी वेबसाइट है और ये इसने सर्च आउट करके हमें दिखा दी। परफॉर्मेंस बोलता है, वैल्यू आर एस्टिमेटेड एंड मे वेरी, द परफॉर्मेंस क्योर इज कैलकुलेटेड डायरेक्टली फ्रॉम दिस मैट्रिक्स सी कैलकुलेटर। तो अगर आप अपनी वेबसाइट का मैट्रिक्स चेक करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हम मैट्रिक्स अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि वेबसाइट मैट्रिक्स क्या होता है। ये हमने इसने हमें हमारी वेबसाइट का थीम भी दिखा दिया कि ये आपकी वेबसाइट का थीम है और ये आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस है। इसी तरीके से जब हम नीचे आते हैं तो ये देखें, ये इसने सारे हमें हमारी वेबसाइट के पेजेस दिखा दिए। ये नीचे हमें सारे, ये जो आपको रेड सा साइन शो हो रहा है, इस मीन के आपके ये चीज़ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए आपकी वेबसाइट पे। रिड्यूस अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट, आपने जो जावास्क्रिप्ट यूज़ किया हुआ वो सही से यूज़ नहीं किया हुआ, उसमें कोई कमी पेशी है या उसमें कोई एरर हो सकता है, कोई गलती हो सकती है, या आपने किसी का कॉपी पेस्ट किया हो तो भी ये इस तरह से रेड दिखाता है। इसके बाद आ जाता है रिड्यूस इनिशियल सर्वर रिस्पॉन्स टाइम। आपकी वेबसाइट का रिस्पॉन्स टाइम जो है 0.97 S है, सेकेंड है, मतलब आपकी जो वेबसाइट का जो सर्वर है वो आपको इतनी देर में रिस्पॉन्स देता है। सर्व इमेजेस इन नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेट, ये जी ये हमारे 0.45 है। इसके बाद है प्रॉपरली साइज इमेजेस, ये जी 0.3 सेकेंड में। इसके बाद आ जाता है अनयूज CSS, ये देखे, ये CSS भी हमारी साइट पे अच्छा अप्लाई हुआ हुआ है। ये जो आपको रेड शो करवा रहा है, इट्स मीन के इन दोनों में कोई फॉल्ट आ रहा है आपकी वेबसाइट पे। इसी तरीके से जब आप नीचे जाते जाएंगे तो आपको ये सारी आपकी वेबसाइट से रिलेटेड चीज़ें शो करवाता रहेगा। ये आपकी वेबसाइट की एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पे भी 69 शो करा रहा है और ऊपर भी 69 ही शो करवा रहा था। नेम्स एंड लेबल, ये भी हमारे वेबसाइट पे कुछ इसकी भी गलतियाँ हैं। इमेज एलिमेंट डू नॉट हैव ऑल एट्रीब्यूट्स, ठीक हो गया। लिंक डू नॉट हैव अ डिस्क्रिमिनेबल नेम, जो लिंक है उनके, हमारे जो लिंक हुई हुई है वेबसाइट के पेजेस या वेबसाइट की इमेजेस जो हमने लिंक यूज़ किए हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, उसमें भी कोई गलती आ रही है। तो इसी तरीके से आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग, SEO, उसमें जो भी कोई गलतियां हैं वो आप चेक कर सकते हो जब आपने अपनी वेबसाइट बना ली। एक हमारे पास ये वेबसाइट आ जाती है, ये
web.dv के नाम से है, और एक स्पीड टेस्ट स्पीड check.org के नाम से है। तो आप इन दोनों साइट्स पे जाके अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक कर सकते हैं कि और परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट किस तरीके से गूगल सर्च इंजन में काम कर रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।